अब किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं, एक नाबालिग 17 साल की लड़की, उसके साथ चलती हुई कार में गैंग रेप होता है और गैंग रेप करने वाले कोई और नहीं, उसी की पहचान के उसके यार दोस्त होते हैं, वो भी नाबालिग होते हैं। और जबकि उस गाड़ी में 5 लोग सवार होते हैं, जिनमें से 4 लोग गैंग रेप करते हैं और एक लड़का उनका विरोध करता है, तो उसकी भी पिटाई की जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी है, ये हैदराबाद से निकल कर आ रही है। दोस्तों, हैदराबाद में शाम को एक लड़की, जिसकी उम्र 17 साल होती है, वो अपने घर से एक पार्टी में जाती है और एक पब में पहुंच जाती है। दोस्तों, पब में पहुँच कर वहाँ पर कुछ डांस वगैरह होते हैं, तो वो भी लड़की अपना डांस में हिस्सा लेने लगती है, तो कुछ लड़के आकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। दोस्तों, लड़की को वो अच्छा नहीं लगता, उस सब को देखकर लड़की उस पब से बाहर निकल आती है और बाहर निकलकर अपने घर की तरफ आने लगती है। तभी वो लड़के बाहर आते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तो मजाक कर रहे थे। दोस्तों, वो एक गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में उस लड़की को बैठा लिया जाता है और एक पेस्ट्री की दुकान पर पहुंच जाते हैं। पेस्ट्री की दुकान से कुछ खाने पीने का सामान वो लेते हैं, उसके बाद हैदराबाद के कुछ जंगलों की तरफ वो निकल जाते हैं। वहाँ पर एक हिल्स है, हिल्स की तरफ वो जाते हैं और चलती हुई कार में ही उस लड़की के साथ में दरिंदगी करने लगते हैं। लड़की उन्हें मना करती रहती है, लेकिन वो दरिंदे रुकने का नाम नहीं लेते। लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, बार बार उनसे भीख मांगती रहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा दंड क्यों दे रहे हो, मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ये अच्छा काम नहीं कर रहे। दोस्तों, उसमें एक लड़का और बैठा होता है, 4 लड़के तो जो आरोपी हैं वो भी हैं, एक लड़का और है जिसे विधायक का बेटा बताया जा रहा है। दोस्तों, वो उस लड़की की मदद करना चाहता है, लेकिन उसे भी मारा पीटा जाता है। और इस बात का खुलासा तब होता है जब उस लड़की के साथ में वो चारों लोग दरिंदगी कर लेते हैं, उसके बाद में उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। जब वो लड़की रोती हुई अपने घर पहुंचती है, तो उसके गर्दन पर जो निशान होते हैं, उन निशानों को देखकर घर वाले एकदम से घबरा जाते हैं और घर वाले उसे पूछ बैठते हैं कि बेटी, तेरे साथ में क्या हुआ है। दोस्तों, वो पूरा वाक्य अपने घर वालों को बताती है, तो घर वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर FIR दर्ज करा दी जाती है उन 4 लोगों के खिलाफ, जो उस लड़की को जानते भी हैं और उसके साथ में वो दरिंदगी करते हैं। दोस्तों, पुलिस FIR दर्ज करके छानबीन में लग जाती है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी हो सकेगा उनको दंड दिया जाएगा। दोस्तों, पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई है, अभी तक पुलिस के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं लगा है, क्योंकि ये पोस्को एक्ट है। पोस्को एक्ट के तहत उन लोगों के खिलाफ, वो भी नाबालिग हैं 4 लड़के, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और मामला दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी पूरी कोशिशें कर रही है, दबिश देकर उन लड़कों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जल्द ही कोई बड़ा खुलासा आने वाला है, जैसे ही कोई बड़ा खुलासा आएगा मैं तुरंत आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक नाबालिग लड़की की इज्जत को तार तार किया जाता है, और तार तार करने वाला कोई और नहीं, उसके खुद के फ्रेंड होते हैं जिनको वो लड़की भी जानती है। तो दोस्तों, आजकल किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना अच्छी बात नहीं है, किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे कोई सगा हो चाहे कोई दूर का हो। आजकल जो क्राइम का रेशो है, डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, कहीं भी क्राइम का रेशो कम होने का नाम नहीं ले रहा। जब तक अखबार की स्याही सूखती नहीं है, तब तक दूसरा और तीसरा केस सामने आ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के केसों को किस तरह से कम किया जाए, अगर आपके पास कोई राय है तो अपनी राय जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे लोगों को किस तरह से रोका जाए, वो भी अगर आपके पास कुछ राय है तो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी को किसी भी तरह से परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग जागरूक हों
और अपने बच्चों को किसी भी तरह ऐसे अकेले किसी पार्टी में, किसी पब में, कहीं भी ऐसे अकेले ना भेजें, क्योंकि कोई भी दरिंदा कहीं से भी निकल कर आ सकता है और किसी भी बच्चे के साथ में ऐसी अनहोनी हो सकती है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आपको ये कहानी जरा सा भी प्रभावित करती है तो कृपया करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।